वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक के बारे में यह है एस कोर्स का एपिसोड तो चलिए शुरू करते हैं सबसे तो पहले हम बात करेंगे इंटरनल लिंक्स की आखिर इंटरनल लिंक्स होते क्या है इंटरनल लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो कि जब आप उन लिंक्स पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पर विजिट कर जाते हैं आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है ये इसलिए जरूरी है ताकि यूजर को आपके दूसरे पेज ढूंढने में आसानी हो और साथ ही साथ सर्च इंजन को भी जिस कारण से उसे क्रॉल करेंगे और इंडेक्स करेंगे क्रॉल और इंडेक्स में एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई आइकन पे दे दूंगा तो इंटरलिंक से एक तो ये फायदा होता है कि आपके पेजेस गूगल की नजरों में आते हैं यूजर की नजरों में आते हैं साथ ही साथ एक नेविगेट करने में भी आसानी होती है यूजर और सर्च इंजन को अब आगे बात करते हैं एक्सटर्नल लिंक्स के बारे में एक्सटर्नल लिंक्स इंटरनल लिंक्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं जैसे ही आप इन लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो आप जो है किसी किसी दूसरे वेबसाइट की पेज तरफ रीडायरेक्ट हो जाते हैं इस इनका फ़ायदा ये होता है कि ये यूज़र को रीडर को एक एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और इंफॉर्मेशन और रिसोर्स के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल लिंकिंग के बारे में सबसे पहली जो है टाइप है वो है नेविगेशन लिंक्स की ये लिंक्स ज़्यादातर आपको फुटर या फिर हेडर पे दिख सकते हैं जैसे कि आप यूज करते हैं जैसे कि होम अबाउटस और कॉन्टेक्टस डिस्क्लेमर पेजेस और जैसे कि नीचे अगर आप चाहें तो फुटर में जो लिंक्स लगे होते हैं ये ज़्यादातर नेविगेशन लिंक्स में आते हैं उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्टेक्सल लिंक्स के बारे में ये वो लिंक्स होते हैं जो कि मेन एरिया में आ, यूज होते हैं जो कि आर्टिकल्स में यूज होते हैं जैसे कि आपने एक आर्टिकल लिखा है तो उसके बीच में कहीं पैराग्राफ में जो लिंक्स होते हैं वो होता है कॉन्टेक्चुअल लिंक्स इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेडकम लिंक्स के बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लिंक्स जो होते हैं हेडर के जस्ट नीचे होते हैं और जैसे आप इन पर क्लिक करते हैं तो ये कैटेगरी या सब कैटेगरी या पेज पे तरफ आपको ले जाते हैं सीधा ही अब बात करेंगे कुछ टिप्स के बारे में सबसे तो पहली टिप जो ये है कि जब भी आप इंटरनल लिंकिंग करें तो डू फॉलो लिंक रखें और जब भी आप एक्सटर्नल लिंक्स बनाएं तो उसे जो है नो फॉलो लिंक रखें जो डू फॉलो लिंक्स में जो है रिलेशन आटोट्यूब में डू फॉलो यूज होता है बाई डिफॉल्ट अगर आप इसे यूज नहीं करते हैं तो उसे वो डू फॉलो लिंक कंसिडर करेगा अगर आप रिलेशन में नो फॉलो यूज करते हैं तो उसे जो है नो फॉलो लिंक बना देगा जब भी आप डू फॉलो लिंक का यूज करते हैं इंटरनल लिंकिंग के लिए तो जो आपका लिंक जूस पास कर जाता है आपकी अपनी वेबसाइट से अपनी दूसरे वेबसाइट के पेज के लिए जिससे कि आपकी जो है अथॉरिटी आपकी अपसेट की अथॉरिटी आपके पेज में बढ़ जाती है और जब आप किसी दूसरी एबसाइट को मेंशन करते हैं तो वहां आपको जो है नो फॉलो यूज करना चाहिए जिससे कि आप जो अपनी लिंक यूज आप दूसरी एबसाइट को पास नहीं करते हैं आप उसे मेंशन जरूर कर देते हैं तो सबसे पहली टिप तो ये हुई अगर आप चाहते हैं कि आप सब एक्सटर्नल लिंक को एक बार में ही नो फॉलो करें तो उसके लिए रैंक मैथ में एक सेटिंग होती है रैंक मैप में जाना है जनरल मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको आपको रैंक मैप में जाना है और जनरल सेटिंग में क्लिक करना है लिंक्स पर क्लिक करना है और लिंक पे क्लिक करने के बाद नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक्स इस पर जो है क्लिक कर देना है इसके बाद से जो है आपके जितने भी पेजिस एक्सटर्नल लिंक यूज़ हो रहा है जितने भी पेज में वो सब जो है नो फॉलो लिंक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो आपको जो है मैनुअली सब कुछ नहीं करना पड़ेगा जब भी आप मैंशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली नोफुल लिंक्स बना दिया जाएगा अगली टिप मैं देना चाहूंगा जब भी आप लिंकिंग करें इंटर लिंकिंग करें तो वो है तो तो ये ध्यान रखें कि वो पेज रेवलेंट हो उसका कंटेंट रिवलेंट हो ऐसा नहीं है कि आप किसी और पेज के लिए लिंक कर रहे हैं जो कि रेवलेंट बिल्कुल भी नहीं है इसका कंटेंट या फिर पेज अब बात करते हैं ब्रोकन लिंक्स के बारे में अगर आप की वेबसाइट में बहुत सारे ब्रोकन लिंक्स हैं तो ये जब भी यूज़र उन पर क्लिक करता है तो उसे जो है फोर ओ फोर एरर शो होता है जो कि यूज़र के लिए और साथ ही साथ एस के लिए बहुत बुरी चीज़ होती है तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत सारे प्लग अवेलेबल हैं रोम के लिए फायरफॉक्स के लिए और स्क्रीमिंग फॉग नाम का एक सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होता है इसको आप यूज़ करके जो है बल्क में ही आपको जो लिस्ट मिल जाएगी फोर ऑफ फोर 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 पेजेज ब्रोकन लिंक्स की यहां पर एक आर्टिकल है और इसको जो है मैं आर्टिकल को और वीडियो को जो है अपनी डिस्क्रिप्शन या फिर आई टैप पे दे दूंगा जिससे आप जाकर आप जो है ब्रोकन लिंक्स ढूंढ के उन्हें फिक्स कर सकते हैं इसके बाद बात करते हैं ऑफरन पेजेस की ऑफर पेजेस वो पेजेस होते हैं जिन्हें की इंटरनल लिंक नहीं किया गया है किसी और पेज के द्वारा आप तो इन्हें जो है सॉल्व करना पड़ता है अगर आप इन्हें जो है इन लिंक नहीं करेंगे तो ये डेफिनेटली बात है कि ना ये क्रॉल होंगे और ना ही ये इंडेक्स होंगे इंजन के द्वार तो इसके लिए भी स्क्रीमिंग फॉक के थ्रू आप जो है ऑफ पेज ढूंढ सकते हैं अपनी पूरी वेबसाइट के लिए ये उसका लिंक है इसे भी जो है मैं अपनी यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और जिसे देख आप जो है सॉल्व कर सकते हैं ऑफ पेजेस अपनी वेबसाइट पर इसके बाद हम बात करेंगे वो चीज़ों की जिससे कि आप अवॉइड करना चाहिए लिंकिंग करते समय सबसे पहला है आपको जो है जेनरिक एंकर टैग यूज नहीं करने हैं जैसे कि क्लिक है रीड मोर आपको जो है वेरिएशन लानी है और उस थ्रू उसके थ्रू जो है लिंक्स बनाने हैं इंटरनल डनल पेजिस को मैंशन करें लिंकिंग करते समय जो कि इंपॉर्टेंट है जैसे कि आर्टिकल्स हो गए या फिर इंपॉर्टेंट पेजेस हो गए ना कि आप जो है बार बार जो है अबाउट अस अबाउटर्स अस डिस्क्लेमर पेज इनका जो है काफ़ी लेस इंपॉर्टेंट होते हैं तो इन्हें अगर आप बार बार यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बहुत बुरा होता है अब तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो ये करनी है कि जब भी आप इंटरलिंक करें तो कोशिश करें कि आप जो आर्टिकल या पैराग्राफ के अंदर जो है लिंक बनाएं अवॉइड करें हेडर या फोटर को क्योंकि इनकी जो है वैल्यू काफ़ी कम होती है गूगल जो है और बाकी सर्च इंजन को पता होता है कि आप जो है लिंक कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं वो जो वो आर्टिकल और जो है पैराग्राफ यहाँ पर दिए लिंक्स को ज़्यादा वैल्यूबल मानते हैं जो कि मैंशन किए गए होते हैं हेडर या फुटर जैसा तो कोशिश करें जब भी आप इंटरनल लिंक बनाएं तो उन्हें जो है पैराग्राफ या आर्टिकल में जरूर मैंशन में करें इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ कि आपको जो मेरी वीडियो पसंद होगी अगर आपके सवाल हैं तो प्लीज़ उन्हें जो है मुझसे पूछें मैं उनका जवाब दूँगा इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद